लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने जारी की 39 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीटें आपस में बदली। लोकसभा सांसद मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा। लोकसभा चुनावों से पहले बॉलीवुड सितारों का राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी। उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में तो वहीं सनी देओल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। गोवा में देर रात हुई बड़ी सियासी हलचल। एमजीपी के दो विधायक मनोहर अजगांवकर और दीपक पावस्कर हुए बीजेपी में शामिल। आज अमेठी और रायबरेली के दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। आगामी चुनावी जनसभाओं का लेंगी जायजा। बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में लेंगी हिस्सा। राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशन आज। पिछड़े वर्गों के मुद्दे उठाने और ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए है अधिवेशन। राहुल गांधी करेंगे अधिवेशन को संबोधित। शारदा घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त तेवर। कहा कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप आते हैं तो उसे नकारा नहीं जा सकता। आजादी के बाद पहली बार हिंदुओं के लिए पाकिस्तान खोलेगा शारदा मंदिर के द्वार। भारतीय तीर्थयात्री कर पाएंगे दर्शन। 18 महाशक्ति पीठों में से एक है शारदा पीठ। चेन्नई ने फतेह किया कोटला का किला। लगातार हासिल की दूसरी जीत। दिल्ली को 6 विकेट से दी मात। आज ईडन गार्डन्स में भिड़ेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब। 28वें सुल्तान अजलान शाह कप में भारत को मिली जीत। भारत ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से दी पटखनी। ब्रिटिश सांसदों ने ब्रेक्जिट प्रक्रिया में बड़ी भूमिका के लिए किया मतदान। सरकार को 302 के मुकाबले 329 वोटों से करना पड़ा हार का सामना। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।